अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सबकी खिदमत में दोबारा आई हूँ। आज की जो अपडेट हमारे पास है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल, पीएचडी और एमएस के लिए एडमिशन ओपन हो गई है। जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल, एमएस और पीएचडी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा। वीडियो कम्प्लीट देखें ताकि आप लोग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकें और आपको अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से यूनिवर्सिटी है, ला पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसमें जिसमें 76 एमफिल प्रोग्राम और 41 पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। डिटेल्स आपको बताई जाएगी। बाकी ये जो कुछ लिखा है वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। मैं आपको एडमिशन के बारे में अपडेट करना चाहती हूँ, तो आते हैं हम अपडेट्स की तरफ। साथ ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। 19 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी इनकी फ़ीस जो है बहुत कम है। तो आप लोग लाजमी अवेल करें, स्पेशली लाहौर वाले अप्लाई करें और ऑल ओवर द पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और एमएस और एमफिल प्रोग्राम में जिन जिन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ऑफर की हैं, ओपन हो गई हैं, वो लिस्ट आपके साथ शो कर रही हूँ। आप डिटेल्स यहाँ से पढ़ लीजिएगा सारी सब्जेक्ट्स की। और आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या आपने जिसमें बीएस ऑनर, एमएससी वगैरह किया है, तो आप इन उनसे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन लें। आपका एडमिशन इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। इनका जो एंट्री टेस्ट होता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आपने बीएस लेवल में सही से पढ़ा हो, आपकी बीएस लेवल की कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप इनके टेस्ट पास कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स में ये लोग एमफिल या एमएस प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और इनके चार ब्रांचेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। साथ ही पीएचडी प्रोग्राम जिन जिन सब्जेक्ट्स में पीएचडी ऑफर कर रही हैं, एडमिशन ओपन हो रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स के, वो उनके लिस्ट भी आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, किया जा रहा है। आप यहाँ से लिस्ट रीड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट या अपने प्रीवियस डिग्री से रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी रिसर्च भी बहुत ज़बरदस्त होती है पीजी लेवल पर। उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने ये बात सुनी है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। साथ ही आपको मज़ीद डिटेल्स बताती जाऊँगी। ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं, आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो एमफिल, और एमएस के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी 4 ईयर एजुकेशन, बीएस, एमए, एमएससी वगैरह होनी चाहिए किसी भी इसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और पीएचडी के लिए जो है 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, पहले वाली में बीएस ऑनर, 4 ईयर एमए, एमएससी, और आपकी सीजीपीए जो है 3 out of 4 होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए एचईसी के अकॉर्डिंग। दूसरी में एमफिल, एमएस या एमएससी आपकी होनी चाहिए और 3/4 आपकी जीपीए होनी चाहिए। और एप्लीकेशन डेट, लास्ट डेट 19 सितंबर है, मैंने पहले बताई है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ शेयर किए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें टेस्ट डेट है, इंटरव्यू डेट है, डिस्प्ले ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट है, फिर लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट। ये सारी आपको अप्लाई करने के बाद आपको वो ईमेल भी करते हैं, आपको मैसेज भी करते हैं, तो ये लिस्ट, डेट की लिस्ट उन्होंने पहले ही यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। मज़ीद आपने कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन का प्रोसीजर है, आपको वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगी। आपने लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से अपनी सारी स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड करनी है, कंप्लीट आपने अप्लाई करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि आपकी एडमिशन जो है कैंसिल ना हो और आप एडमिशन ले सकें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स लाजमी अप्लाई करें। वीडियो को बेशक आप पॉज करके देख सकते हैं अगर कुछ मैं बोलना भूल गई हूँ। साथ ही एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें डिटेल्स होती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये काफ़ी छोटा और इनविजिबल है या ब्लर है, तो यही सारी डिटेल्स मैंने ऊपर आपको बताई गई हैं, यही सारी एडवर्टाइजमेंट की डिटेल ऊपर कम्प्लीटली आपको दी हैं। और जिन जिन सब्जेक्ट्स में ऑफर कर रहे हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा, उसके साथ जो है कैसे अप्लाई करना है वो कंप्लीट प्रोसीजर भी यहाँ बताई गई है एडवर्टाइजमेंट में, वो मैंने ऊपर आपको बता दी है कि कौन क्या लास्ट डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको विजिबल है, नहीं तो ऊपर मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में पूछिएगा। लास्ट डेट से पहले पहले आप अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन कंफर्म हो, और अप्लाई करते हुए आपने कुछ स्किप ना करना नहीं करना ताकि आपके एडमिशन कैंसिल ना हो। तो ऐसे ही अपडेट्स मैं लाती रहती हूँ डेली बेस पर, यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।